आज की वीडियो में हम चार्ट्स के ऊपर कुछ चेंज करना सिखाएंगे। जैसे कि मैंने एक डेटा के ऊपर एक चार्ट लगाया हुआ, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, एक नया चार्ट इंसर्ट करता हूँ और मैं इस चार्ट्स के ऊपर में बटन जो है यूज करता हूँ। मैं सेल्स यहाँ पे मैं रख देता हूँ साइड में, और मैं डेवलपर से जाके हम यहाँ दो बटन्स यूज करते हैं। तो रेडियो रेडियो ऑप्शंस जो है हमारा है, इसमें हम एक होंगे कि भाई लाइन चार्ट आपको देखना है या फिर आपको देखना है एक और बटन लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम करना चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम चार्ट चाहिए। सो सिंपल सी बात है, मैं जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरा चार्ट कॉलम चार्ट हो जाना चाहिए, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो लाइन चार्ट कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट कॉलम चार्ट। अब इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी है। नमस्कार, मैं सुजीत, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशंस। तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में ये चीज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट का टाइप चेंज कर देते हैं। तो इस चार्ट का नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए सिटी कर देते हैं। इस चार्ट का नाम कर दिया सिटी। फिर डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक पे आते हैं और एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं। यहाँ इंसर्ट से मॉड्यूल को हम इंसर्ट करेंगे। सब्जेक्ट हम यहाँ पे लाइन चार्ट के लिए बना रहे हैं। तो यहां हम सबसे पहले लिखेंगे कि डिम सी एज ए चार्ट। फिर यहां पे सेट करते हैं कि सेट सी इक्वल टू, अब इसमें हमने लिख दिया सीट फोर या एक्टिव सीट भी आप डाल सकते हैं, डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसके अंदर में हमने सीटी, क्योंकि हमने चार्ट का नाम सीटी कर दिया। अगर चार्ट का नाम ना तो यहाँ पे वन भी दे दीजिएगा तो एक आपका जो है सीक्वेंस चला जाता है, डॉट चार्ट। अब उसके बाद यहाँ हम करते हैं सी इक्वल टू चार्ट, चार्ट टाइप, और इस चार्ट टाइप में हम एक्सेल लाइन चार्ट ले लेते हैं। यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने मैनुअल लाइन चार्ट डाल दिया। और इसी को हम एक बार कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और लाइन के जगह पे सी एल कर देते हैं, कॉलम चार्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे। आप यहाँ सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि एक्सेल एरिया हो गया, थ्री डी कॉलम हो गया, थ्री डी लाइन हो गया, एरिया चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, बबल चार्ट हो गया। अब यहाँ पे कॉलम कर्सर हो गया, कॉलम स्टैक हो गया, तो मैंने यहाँ पे कॉलम कर्सर सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ दो हमने लाइन और कॉलम नाम के दो मैक्रो बनाए। अब इसके ऊपर राइट क्लिक कर हम असाइन मैक्रो लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस पे हमने राइट क्लिक किया असाइन मैक्रो, मैंने इसको कॉलम कर लिया। देखिए अगर लाइन पे क्लिक कर, एक मिनट, टाइप मिसमैच, ओ सॉरी, यहाँ सी टी होगा ना, क्योंकि हमने इसका नाम सी टी रख रखा है ना इस चार्ट का। और यहाँ भी हमारा सी टी होगा। आ गया लाइन कॉलर, लाइन कॉलर, लाइन कॉलर। तो हमने बस तो एक यहाँ पे अच्छा दिखा दिया। इस तरह से और भी चार्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर दिया हुआ है। तो हमने एक चार्ट ऑब्जेक्ट लिया, उसको असाइन किया कि सीट फोर या एक्टिव सीट, चार्ट ऑब्जेक्ट जो चार्ट का नाम और रिनेम आपने किया हुआ है, बट रिनेम जनरली हम चार्ट को रिनेम नहीं करते हैं। यहाँ पे हम अपना चार्ट वन, चार्ट टू, चार्ट थ्री नेम होता है वो भी ले सकते हैं, या एक ही चार्ट है यहाँ पे वन टू थ्री नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर को मत रखिएगा, चार्ट कर दिए। उसके बाद हम चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं। अब जैसे भी यहाँ पे मैंने लिख दिया सी डॉट, यहाँ पे चार्ट टाइटल होगा, यहाँ पे चार्ट टाइटल, यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स इन लाइन, और इसी लाइन को कॉपी करके नीचे भी कर देते हैं सेल्स इन कॉलम।
अब क्या होगा कि यहां पे अब लाइन पे क्लिक किया, चार्ट टाइटल, सी डॉट चार्ट टाइटल, सी डॉट, स्टॉप करते हैं। सी डॉट चार्ट टाइटल स्पेस नहीं हो क्योंकि प्रॉपर्टी है, सेल्स वन इनोडा को डालकर अब मैं अगर लाइन पे वापस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है। कुछ गड़बड़ की है, मैं अभी कोड चेंज कर रहा हूँ। छोटा सा यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, ये चार्ट टाइटल में क्या है, टेक्स्ट है, और यहाँ पे चार्ट इन लाइन, और यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, डॉट टेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे हम एक बार करते हैं कॉलर, तो कॉलम इन, यहाँ पे सेल्स इज कॉलर और सेल्स इज लाइन, सेल्स इज कॉलम, सेल्स इज लाइन, इस तरह से चार्ट को आप कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है। अब पूरी कंप्लीट अगर चाहते हैं हमारे वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग की क्लासेस विद एग्जांपल फाइल विद कोड्स, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अपने ऐप स्टोर में जाइए, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च कीजिए, ये हमारा एक्सेल ऐप मिल जाएगा, या फिर आप आईओएस पर है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, माय इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जूम ऐप के थ्रू सीख सकते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, और मेरे साथ लर्न करना चाहते हैं तो फटाफट मेरी मोबाइल पे कॉल कीजिए। थैंक यू।